बॉलीवुड की दुनिया लोगों को अपनी तरफ बहुत आकर्षित करती है और लोग इस दुनिया से जुड़े स्टार्स के निजी जीवन की सभी बातें जानना चाहते हैं। आज हम बताएंगे कि बॉलीवुड के उन एक्टर्स के बारे में जो इंडस्ट्री के जाने माने लोगों के घर के दामाद बने। इन लोगों ने अपनी एक्टिंग से तो शोहरत पाई ही, लेकिन बड़े घराने के साथ नाम जुड़ने के साथ इनका कद अलग ही स्तर पर पहुँच गया। सबसे पहले बात करते हैं कुणाल खेमू की। यूं तो कुणाल खेमू ने बाल कलाकार के रूप में फिल्मी दुनिया में डेब्यू किया, लेकिन आज उनकी एक अलग ही पहचान है। उन्होंने शर्मिला टैगोर की बेटी सोहा अली खान से शादी की और पटौदी खानदान के दामाद बन गए। बॉलीवुड में शर्मन जोशी की अपनी एक अलग पहचान है। बॉलीवुड एक्टर शर्मन जोशी ने बॉलीवुड के मशहूर विलेन प्रेम चोपड़ा की बेटी प्रेरणा चोपड़ा से शादी की है। कुणाल कपूर ने मेगास्टार अमिताभ बच्चन की भतीजी नैना बच्चन से शादी की है। वह बहुत ज्यादा फिल्मों में नजर नहीं आए। नैना के पिता का नाम अमिताभ बच्चन है। बॉलीवुड के मशहूर एक्टर फिरोज खान के बेटे एक्टर फरदीन खान ने बॉलीवुड की वेटरन एक्ट्रेस मुमताज की बेटी नताशा के साथ शादी की है। फरदीन खान अब फिल्मों से गायब हो गए हैं। कोलावरी डी सोंग फेम और रांझणा जैसी हिट फिल्म देने वाले तमिल एक्टर धनुष ने साउथ के सुपरस्टार रजनीकांत की बेटी ऐश्वर्या से शादी की है। बॉलीवुड के एक्टर प्रोड्यूसर और डायरेक्टर अतुल अग्निहोत्री ने फिल्म इंडस्ट्री में एक्टर के तौर पर एंट्री की थी, लेकिन अब वह निर्देशक बन चुके हैं। अतुल अग्निहोत्री ने बॉलीवुड के मशहूर लेखक सलीम खान की बेटी और एक्टर सलमान खान की बहन अलविरा खान से शादी की है। बॉलीवुड के मशहूर एक्टर रहे राजेंद्र कुमार के बेटे कुमार गौरव ने फिल्म इंडस्ट्री के दिवंगत सुपरस्टार सुनील दत्त की बेटी और एक्टर संजय दत्त की बहन नम्रता दत्त के साथ शादी की है। बॉलीवुड के एक्शन स्टार अक्षय कुमार ने हिंदी सिनेमा के पहले सुपरस्टार राजेश खन्ना और डिंपल कपाड़िया की बेटी ट्विंकल खन्ना से शादी की है। बॉलीवुड के सिंघम अजय देवगन ने इंडस्ट्री में अपनी अलग पहचान बनाई हुई है। उन्होंने वेटरन एक्ट्रेस तनुजा की बेटी काजोल से शादी की है। धन्यवाद। आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी कैसी लगी हमें जरूर बताएं।